एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक टॉपिक जिसका नाम है महाजनपदों का उदय। दोस्तों मैं ये आपको बहुत आसान ट्रिक से बताऊंगा और पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप बस ट्रिक को एक बार पढ़ लिया करो। देखो हम ट्रिक इसलिए पढ़ाते हैं कि उससे क्या है टॉपिक एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है और गलती की संभावना नहीं रहती, तो आप ट्रिक समझो। ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ने वाले महाजनपदों का उदय। तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है, बोले बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों को बांटा गया था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। आपको ये दो ग्रंथों के नाम याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र मिलती है। अब देखो अगर आपको अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों याद हो गए तो फिर वहां पर कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा जैन ग्रंथ है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। देखो जैन में कौन हुए थे, भगवान महावीर स्वामी, तो भगवान ये तीन वर्ड मिल गए ना, भगवान महावीर स्वामी, तो उसी से बना देना है बोले भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित। ठीक है अब हमें 16 महाजनपदों के लिए तीन ट्रिक याद रख लेना है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिक मेरे साथ बोलो आप बहुत आसान लगेगी। आपको ट्रिक कैसे कहना है कि औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान, कैसे पढ़ोगे औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान अस्मक पोपो गो मत्स पर विजय कोई हमें दो। एक दो बार फिर से पढ़ो मेरे साथ, बोले औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान अस्मक पोपो गो मत्स पर विजय कोई हमें दो। अगली ट्रिक आपको याद रखना है, बोले बज्जी की मिथिला बेबी मुदनी अचंबा मगर का पटना गया बिहार में देखा, कैसे पढ़ोगे बज्जी की मिथिला बेबी मुदनी अचंबा मगर का पटना गया बिहार में देखा। देखो आप ट्रिक अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप ट्रिक ही नहीं पढ़ो। क्यों ट्रिक पढ़ रहे हैं यहां पर ये, क्योंकि लगभग 80 क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, उसका आधुनिक क्षेत्र क्या है, फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे। अभी देखो क्रम से बताऊंगा मैं। अगली ट्रिक क्या कहना है, कंबोजहारा चेस में बुंदेलखंड के काशी बाबा मकुदेव से सुरमम ने बकोई को श्राप दी, ठीक है कैसे पढ़ोगे कंबोजहारा चेस में बुंदेलखंड के काशी बाबा मकुदेव से सुरमम ने बकोई को श्राप दी। देखो मैंने सबसे पहले ये ट्रिकें लिखी हुई हैं तो आप सबसे पहले ट्रिक पढ़ लो, यही उत्तर पढ़ लो, फिर बाद में मैं पूरा बता दूंगा, यहीं पर उत्तर कंप्लीट करना है। पहले तीनों ट्रिकों को एक साथ कैसे बोलोगे, बोले औ मम्मा एमपी में स्पीड में बोलते चलना है, औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान अस्मक पोपो गो मत्स पर विजय कोई हमें दो, बज्जी की मिथिला बेबी मुदने अचंबा मगर का पटना गया बिहार में देखा, कंबोजहारा चेस में बुंदेलखंड के काशी बाबा मकुदेव से सुरमम ने बकोई को श्राप दी। अब दो तीन बार तब आगे बढ़ना जब ट्रिक बोल लेना, यही जैसे बीच में आप पूरा आपके सामने लिखा हुआ देख रहा है आप वीडियो रोक लिया करो फिर बोलना शुरू कर दिया करो कि औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान अस्मक पोपो गो मत्स पर विजय कोई हमें दो, बज्जी की मिथिला बेबी मुदने अचंबा मगर का पटना गया बिहार में देखा, कंबोजहारा चेस में बुंदेलखंड के काशी बाबा मकुदेव से सुरमम ने बकोई को श्राप दी। अब हमें किस क्रम में पढ़ना है कि महाजनपद का नाम फिर उसकी राजधानी फिर उसका आधुनिक क्षेत्र। अब देखो ध्यान से समझते चलो, देखो मैं नंबर भी डालते जाऊंगा कि 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए। देखो महाजनपद का नाम अवंती, राजधानी उज्जैन महिष्मती, ध्यान से पढ़ते चलना, महाजनपद अवंती, राजधानी उज्जैन महिष्मती, आधुनिक क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। ठीक महाजनपद गांधार, महाजनपद गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक क्षेत्र पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान, महाजनपद गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक क्षेत्र पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक नंबर तीन पे बात करते हैं, महाजनपद अस्मक, महाजनपद अस्मक, राजधानी पोटली पोतन, राजधानी पोटली पोतन, आधुनिक क्षेत्र गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ठीक है ध्यान से समझते चलो, फिर मैं पीछे इस पेज के बाद में पूरा लिखा हुआ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है
नंबर 4 पे पढ़ते हैं, महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर राजस्थान। ठीक है, नंबर 5 बात करते हैं, महाजनपद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक क्षेत्र हरियाणा मेरठ दिल्ली। ठीक है, हमारा क्रम क्या चल रहा है कि महाजनपद का नाम, फिर उसकी राजधानी, फिर उसका आधुनिक क्षेत्र, कितने पढ़ लिए? 5। देखो छठवें में बात करते हैं, महाजनपद बज्जी, महाजनपद बज्जी, राजधानी मिथिला वैशाली विदेह, राजधानी मिथिला वैशाली विदेह, आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अगला 7 नंबर बात करते हैं, महाजनपद अंग, महाजनपद अंग, राजधानी चंपा, आधुनिक क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आप मेरे साथ बोलते चलना है, महाजनपद मगध, महाजनपद मगध, राजधानी गिरिरब्रज और राजगृह, राजधानी गिरिरब्रज और राजगृह, आधुनिक क्षेत्र पटना गया बिहार। ठीक है, अगला बात करते हैं, महाजनपद कंबोज, राजधानी हाटक, आधुनिक क्षेत्र हजारा और राजौरा के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद चेदी, राजधानी शक्तिमणि, आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड। अगला नंबर 11, महाजनपद काशी, राजधानी वाराणसी, आधुनिक क्षेत्र वाराणसी। अगला नंबर 12, महाजनपद मल्ल, राजधानी कुशावती, आधुनिक क्षेत्र देवरिया। ठीक है, अगला महाजनपद सूरसेन, महाजनपद सूरसेन, राजधानी मथुरा, आधुनिक क्षेत्र मथुरा के आसपास का क्षेत्र रहेगा। अगला बात करते हैं, महाजनपद बत्स, राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद कौशल, राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद। ठीक है, कितने पढ़ ली? 15। और ये 16 हो गया कि महाजनपद पांचाल, राजधानी कांपिल्लो और अहिछत्र, आधुनिक क्षेत्र बरेली बदायूं फरुखाबाद। ठीक है, आप देखो मैंने इतने टाइम ये ट्रिक पे फोकस किया है और पूरे पढ़ा दिया आपको, तो आप पहले इतने टाइम ये ट्रिक पर ऐसे ही फोकस करना, आप एक दो बार यहीं तक पढ़ना, फिर पूरा आगे पढ़ना। देखो आगे उसी क्रम में लिखे हुए, महाजनपद का नाम, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र। तो महाजनपद का नाम अवंती, राजधानी उज्जैन महिष्मति, आधुनिक क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। नंबर 2, महाजनपद गांधार, राजधानी तक्षशिला, आधुनिक क्षेत्र पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है, महाजनपद अस्मक, राजधानी पोटलीपोतन, आधुनिक क्षेत्र गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। वो ही क्रम में चल रहा है ट्रिक के में। ठीक है, इसलिए ट्रिक पर आप 2-3-4 बार पढ़ लेना तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ आएगा कि महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, आधुनिक क्षेत्र जयपुर राजस्थान, महाजनपद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक क्षेत्र हरियाणा मेरठ दिल्ली, महाजनपद बज्जी, राजधानी मिथिला वैशाली विदेह, आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। आपको स्पीड में पढ़ते चलना है ना? ठीक है, महाजनपद अंग, राजधानी चंपा, आधुनिक क्षेत्र भागलपुर मुंगेर, महाजनपद मगध, राजधानी गिरिरब्रज और राजगृह, आधुनिक क्षेत्र पटना गया बिहार। ठीक है, आगे बात करते हैं, महाजनपद कंबोज, राजधानी हाटक, आधुनिक क्षेत्र हजारा एवं राजौरा के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद चेदी, राजधानी शक्तिमणि, आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड। महाजनपद काशी, राजधानी वाराणसी, आधुनिक क्षेत्र वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद मल्ल, राजधानी कुशावती, आधुनिक क्षेत्र देवरिया। महाजनपद सूरसेन, राजधानी मथुरा, आधुनिक क्षेत्र मथुरा। महाजनपद बत्स, राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद। महाजनपद कौशल, राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद। महाजनपद पांचाल, राजधानी कांपिल और अहिछत्र, आधुनिक क्षेत्र बरेली बदायूं फरुखाबाद। ठीक है,
अब अगला पॉइंट याद रखना है कि इनमें शक्तिशाली कौन कौन से थे, तो आपको ट्रिक याद रखना है बम को। अपन कहते हैं ना बम किसने फोड़ दिया, तो बोले बम को। वत्स, मगध, कौशल और अवंती, ये चारों सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला पॉइंट याद रखना है कि पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, ठीक है। कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। और अगला पॉइंट याद रखना है कि बज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। दोस्तों अगर आप ट्रिक मेरे साथ अच्छे से बोलते हो तो आपका पूरा टॉपिक आसान तरीके से याद हो जाए। मैंने ट्रिक पर ही कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसे कहना है संक्षिप्त में, जैसे रिवाइज करने के तौर पर ट्रिक पढ़ लेना है, तो आप कहोगे कि 16 जनपदों की जानकारी हमें 2 ग्रंथों में मिलती है, बोले बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है। फिर आप ट्रिक क्या कहोगे, जैसे स्पीड में पूरा पढ़ने के बाद बोले औ मम्मा एमपी में गांधार तपेरा पाकिस्तान अस्मक पोपो गो मत्स पर विजय कोई हमें दो बच्ची की मिथिला बेबी मुदने अचंबा मगर का पटना गया बिहार में देखा कंबोज हारा चेस में बुंदेलखंड के काशी बाबा मकुदेव से सुरमम ने बकोई को श्राप दी। इसमें 15 हो जाएंगे। 16वां लास्ट में आपको बोलना है, बोले पांचाल कांपिल अयचत्र बरेली बदायूं फरुखाबाद। तो अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते हो तो पूरे के पूरे 16 महाजनपद कंप्लीट हो जाए। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत आसान तरीके से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो और बेल आइकन दबा लिया करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते फिर अगले वीडियो में कल, धन्यवाद।